नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे। राजद के एक बड़े नेता रघुवंश प्रसाद, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। साफ साफ उन्होंने लफ्जों में कह दिया है कि जैसे ही एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, उसके तुरंत बाद एलजेपी और आरएलएसपी दोनों ही महागठबंधन में आ जाएंगे। पूरी तरह से उन्होंने इस पूरी बात पर ही विराम लगा दिया है। कल एक बड़ा बयान दिया है राजद के एक बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद ने। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब बहुत जल्द रालोसपा और लोजपा भी महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि सीटों को लेकर के एनडीए में बहुत उठापटक है। किसी को भी मन लायक सीटें नहीं मिल रही हैं। अब मन लायक सीटें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, भाजपा का कोई सूत्र है जो लगता है लगातार राजद को यह बता रहा है। इसी कारण से राजद के नेता ये बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं और लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि रालोसपा और लोजपा उनके साथ आ जाएगी। तो क्या सच में अब खीर बनने जा रही है? और खीर क्या पहला, सबसे पहले तेजस्वी यादव चखेंगे या नहीं चखेंगे, इस पर तो हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन एक और बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि देश को बचाना है, जो लोग देश को बचाना चाहते हैं वो महागठबंधन के साथ आएंगे और भाजपा सिर्फ अकेली पार्टी बन के रह जाएगी। अब क्या सच में भाजपा अकेली पार्टी बन के रह जाएगी? क्या इस बयान को सुनने के बाद भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगा? क्योंकि पहले भी कई बार प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के कई वो बड़े नेता थे जिन्होंने महागठबंधन को महाठगबंधन कहा था। अब सही में वो इस महाठगबंधन पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं देते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई प्रतिक्रिया आती है या रघुवंश प्रसाद फिर से कोई नया दावा करते हैं, उस दावे से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।